नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। एक सोच और इंसान आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, इसका प्रमाण अब तक बिहार के कई युवा दे चुके हैं, जिन्होंने बिहार का मान अलग अलग क्षेत्र में देश के साथ साथ विदेश में भी बढ़ाने का काम किया है। इसमें ही अब बिहार का एक और सितारा जुड़ गया है, जिसने अपनी एक सोच के कारण देश भर में अपनी पहचान बना ली है और अब विदेशों में अपना डंका बजाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के ड्रोन बॉय की, जिनके ड्रोन के आइडिया ने उन्हें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वेंचर पार्क बिजनेस आइडिया कंपटीशन में स्टार्टअप देवेश झा को पहला स्थान दिलवाया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 12 मार्च को ज्ञान भवन में आयोजित बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यकीनन देवेश के एक नई सोच ने उन्हें देश के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आलम कुछ यूं है कि इनके बनाए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए हॉलैंड और सूरीनाम भी इच्छुक है। आपको बता दें कि देवेश मधुबनी जिले के खजौली ब्लॉक के कन्हौली गांव के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें देवेश झा की, तो आप सोचेंगे कि देवेश ने ड्रोन बनाया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, तो यकीनन देवेश झा ने कोई बड़ी डिग्री जरूर ली होगी या कहीं बड़े प्लेटफॉर्म से इस कला को उन्होंने सीखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देवेश महज 12वीं पास है। वही उनके ड्रोन बनाने का सफर साल 2017 से ही शुरू हुआ था। साल 2017 में ही उन्होंने फसलों की समुचित देखरेख, बीमारियों का पता लगाने और कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए ड्रोन बनाया था। ड्रोन से फसलों की फोटोग्राफी कर ऑनलाइन मार्केटिंग की भी सुविधा उन्होंने किसानों को दी। उनकी इसी नई सोच को देखते हुए साल 2017 में ही बिहार सरकार और साल 2018 में भारत सरकार ने स्टार्टअप के रूप में इनका चयन किया। इसके बाद उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से 5 लाख रुपए का ग्रांट मिला। वहीं एंजल इन्वेस्टर ने 3.5 करोड़ रुपए की अलग से फंडिंग की। पूरे सिस्टम को किसान स्टेशन नाम दिया गया। इसको लेकर देवेश बताते हैं कि मेरी कंपनी का नाम डे बेस्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है। मोकामा, मोतिहारी और मधुबनी में किसान स्टेशन मैंने ही स्थापित किया है। अब मेरा लक्ष्य है कि बिहार के हर जिले में किसान स्टेशन स्थापित किए जाएं। इतना ही नहीं, देवेश के ड्रोन के कायल तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हो गए। 22 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ड्रोन की कार्यशैली को देखा और शराबबंदी में इसका इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय तो पहले से ही इसका उपयोग कर रहा है। इस बाबत उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के अलावा हरियाणा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी मेरे ड्रोन प्रोजेक्ट का लाभ ले रही है। बिहार और देश में अपने ड्रोन को चमकाने के बाद अब देवेश हॉलैंड और सूरीनाम में भी अपने ड्रोन का जलवा बिखेरने वाले हैं, जहां पर ड्रोन के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम किया है। इससे बीमारियों की सेंसर के जरिए सटीक जानकारी मिल रही है। वहीं इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो ये ड्रोन सामान्य से थोड़ा बड़ा है। इसका वजन 25 किलो है। ये 50 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ये फ्यूल के साथ साथ बैटरी से भी चलता है। यह एक घंटे में करीब करीब 4 लीटर फ्यूल की खपत करता है। कोरोना काल में भी ये ड्रोन बेहद ही उपयोगी साबित हुआ था, क्योंकि इस ड्रोन की मदद से वैक्सीन की डिलीवरी का काम किया गया। वहीं पीएम मोदी भी देवेश के इस प्रोजेक्ट की सराहना कर चुके हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।